मुरादाबाद में राशन डीलर के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर ऑफिस पर धरना करते हुए ज्ञापन सौंपा है। ग्राम शीकमपुर पांडे में राशन डीलर कर रहा है ग्रामीणों के साथ भ्रष्टाचार। ग्रामीणों ने बताया कि सुभान अली राशन डीलर शीकमपुर पांडे का निवासी है, जो कि ग्रामीणों को पर यूनिट के हिसाब से 4 किलो राशन वितरण करता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे करते नजर आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन निःशुल्क वितरण किया जाए, वहीं राशन डीलर अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शीकमपुर पांडे का है, जहां पर सुभान अली राशन डीलर ग्रामीणों को कम राशन वितरण कर रहा है। जब ग्रामीणों ने उससे इस बारे में बात की तो वह ग्रामीणों के राशन कार्ड कटवा देने की धमकी देता है। मुरादाबाद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। सुभान नाम आपका? जुम्मा। कहाँ के निवासी हैं? शीकमपुर पांडा। आज जो आप यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस आए हैं, यहाँ क्या समस्या है? मतलब नाच के लिए नहीं, 4 किलो नाच देता है, 3 देता है। 4 किलो राशन देता है और कहता है कि मैं लेना ले लो, नहीं तो मैं राशन तुम्हारे लिए काट दूंगा कार्ड से। तो आपने इसकी मांग कहाँ कहाँ की? मतलब शिकायत करिए, आज यहाँ को आए हैं। आप क्या चाहते हैं? हमें मतलब ये का कैंसिल होना चाहिए, उसकी दुकान रेस्ट होनी चाहिए। हाँ जी हाँ। आपका तो सेफ। जो आज आप यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए हैं, ये क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि नाच लेने जाते हैं तो धमकी देता है, ये कहता है तुम्हारा राशन तुम्हारे ऊपर ही लगा दूँगा। आप तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? शिकायत की है आज मोहम्मद आसिम नाम मेरा। काफी दिन से शिकायतें यही आ रही हैं कि किसी को गल्ला मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। अब जैसे इन लोगों ने देखा कि हमारा प्रधान जीत गया, प्रधान जीतने के बाद में इन्होंने शिकंजा कसना। क्या नाम है डीलर का?